दोस्तों, वेलकम बैक टू निशी स्कूल ब्लॉग्स। आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट सिरप या फिर चॉकलेट सॉस। मार्केट में मिलने वाली महंगी सॉस को अब हम घर पे बहुत आसानी से और जल्दी और कम दाम में बना सकते हैं। तो चॉकलेट सॉस या चॉकलेट सिरप बनाने के लिए पहले हम लेंगे कोको पाउडर। ये सबसे इम्पोर्टेंट इन्ग्रीडियंट्स है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है कोको पाउडर, ये बहुत ही इजीली मार्केट में अवेलेबल होती है हर ग्रोसरी शॉप में, तो आपको आराम से मिल जाएगा ये। तो इससे हम लेंगे 3 टेबलस्पून। इसमें हम मिक्स करेंगे 1 टेबलस्पून मैदा, ऑल पर्पस फ्लोर। अब हम ऐड करेंगे 5 टेबलस्पून शुगर, चीनी ऐड करेंगे 5 टेबलस्पून। तो तीनों इंग्रेडिएंट्स हमने ले लिया है, तीनों इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से विस्कर से मिक्स कर लेंगे। अब बन गई है हमारी सिरप की मिक्सचर। अब हमने गैस पे पैन को रख दिया है और उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून सॉल्टेड बटर। अगर आपके पास सॉल्टेड बटर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉस बन जाने के बाद बस 1 पिंच सॉल्ट उसमें डाल दीजिए, जस्ट टू बैलेंस द टेस्ट। बटर हमारी मेल्ट हो गई है, अब हम इसमें डालेंगे 150 ग्राम मिल्क। यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, 150 ग्राम मिल्क इसमें हम ऐड करेंगे। मिल्क को थोड़ी देर बॉईल होने देंगे। अब मिल्क में हमारी बॉयल आना स्टार्ट हो गई है। हमने जो मिक्सचर बनाया था कोको पाउडर का, अब हम उसमें धीरे धीरे करके डालेंगे। पहले आधा डालेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे, फिर आधा डालेंगे। एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो इसमें लम्स आ सकती है। मिल्क के साथ सारे मिक्सचर को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई है और धीरे धीरे करके थोड़ा सा गाढ़ा भी होने लगा है, लेकिन हम इसको बहुत ज्यादा थिक नहीं करेंगे क्योंकि ये ठंडा होने के बाद थिक हो जाता है अपने आप। तो सॉस को हम इसी कंसिस्टेंसी में रख के गैस को ऑफ कर देंगे और इसको एक बाउल में निकाल के ठंडा होने देंगे। हमारी चॉकलेट सॉस या चॉकलेट सिरप बन के रेडी हो गई है, थोड़ा सा ठंडा हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, थोड़ा सा थिक भी हो गई है और बटर से इसका शाइनी टेक्सचर देखिए, काफी ग्लॉसी लग रहा है ये। आप इस सॉस को बना के 15 से 20 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। बच्चे इस सॉस को ब्रेड के साथ खाना ज्यादा पसंद करते हैं। केक को डेकोरेट करने के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। आइसक्रीम के ऊपर भी आप सॉस को डाल के खा सकते हैं, या फिर ज़्यादा मीठा पसंद हो तो मिल्क शेक या फिर चॉकलेट कॉफ़ी भी बना के पी सकते हैं। तो दोस्तों, इस सॉस को आप घर पे बना के यूज़ कीजिए और एंजॉय कीजिए। कैसा लगा मुझे कमेंट्स भेजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक शेयर करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। अब निशी स्कूल ब्लॉग को आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।